हाय दोस्त, टॉफी खेल डी में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। यार आज मैं बताऊंगा आप लोगों को मोटापे के बारे में। मोटापा मोटापा आप लोग जानते होंगे, हर किसी को मालूम हो। मोटापा जब बढ़ती है ना तो बहुत परेशान करती है। मोटापा जब भी बढ़ती है तो बहुत परेशान करती है। चलिए एक शेर हो गया ये। तो गाइज मैं यही बताऊंगा आप लोगों को, अगर मोटापे से बहुत परेशान है। मोटापा मतलब क्या? मोटापा मतलब ये नहीं कि मतलब आपके गाल भरे हुए, आपके हाथ। मोटापा मतलब ये है कि आपको बैठने ना दे। मोटापा इसे ही कहते हैं। बैठने में परेशानी हो, गैस का प्रॉब्लम, ये एक चीज़ मैं क्लियर आप लोगों को बता देता हूँ। मोटापा अगर बढ़ गया है तो एक चीज़ की दिक्कत तो आपको कंटिन्यू होती ही रहेगी, गैस का प्रॉब्लम। गैस का प्रॉब्लम आपको होता रहेगा। तो चलिए मैं इसके उपाय बता दूंगा, इसमें आपको मोटापा एकदम ख़त्म कर देगा। कोई भी हो, महिला हो या पुरुष हो, कोई भी करता हो ये चीज़, तो मोटापा बिल्कुल ही नहीं रहेगा। जैसे कि साइड का मोटापा, पेट, पेट के बगल में, यहाँ का मोटापा यार तो बहुत तंग करता है, बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है यहाँ का। और ये हाथों के नीचे यार शर्ट पहनने नहीं देगा यहाँ यहाँ। ये एकदम शरीर ऐसी होनी चाहिए गाइस, शरीर बहुत मोटा भी नहीं होना चाहिए, बहुत दुबला भी नहीं होना चाहिए। ये भी नहीं कि कोई देख के कहे कि यार क्या कुछ खाते होते नहीं हो क्या, तो ये भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए आपके साथ। तो चलिए हम आपको बताएंगे इसके उपाय। उपाय पहले आप लोगों को बता देता हूँ, उसके बाद अगर आपको मोटापा है तो आप कुछ कीजिएगा मत। आप अदरक का टुकड़ा ले लीजिएगा, अदरक का टुकड़ा, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या लेना होगा, नींबू। नींबू आप जानते होंगे, नींबू को निचोड़ दीजिएगा खूब अच्छी तरीके से। जिस भी कटोरी में अदरक के टुकड़े को काट के आप रखेंगे, उसी में नींबू को खूब अच्छे, एक नींबू को पूरा निचोड़ दीजिए। उस पर लहसुन की 5-6 कली ले लीजिएगा, उसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके उसी में रख दीजिए। उसके बाद उसको 1 गिलास पानी में मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद फिल्टर कर दीजिएगा। उसके बाद क्या है, छन्नी की, तो जिस तरीके से आप चाय को छान के पीते हैं उसी तरीके से आपको छान के पीना है। यही प्रक्रिया आपको करनी है, ज़्यादा नहीं, 10 से 15 दिन। 10 से 15 दिन के अंदर बहुत ही गजब के रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे, बहुत ही जब के रिजल्ट आ जाएंगे आपके सामने। और बाकी खान रही बात खाने की, अगर आप ये सोचते हैं क्या चीज खाएं क्या चीज ना खाएं, परहेज में क्या करना है क्या नहीं करना है, तो परहेज में यार आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसा आप खाते हैं वैसा खाइए, बस यही चीज है। पौष्टिक आहार होना चाहिए, कैल्शियम युक्त। मेरा मानना है कि आप अगर दूध का सेवन करते हैं तो सबसे ही बेहतरीन होगा, क्योंकि दूध से ज़्यादा प्रोटीन कैल्शियम किसी भी चीज़ में नहीं मिलेगा आपको। अगर दूध मिलता है तो बहुत ही बेहतरीन होगा। तो गाइज अगर मोटापे से आप परेशान हैं तो इस चीज़ को आप करते रहिएगा। और एक मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ, एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज आपको बहुत ही काम करेगा। एक बार सुबह में ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे कीजिएगा 50 बार आपको करना होगा ये चीज़। ऐसे ऐसे के 50 बार, एक हफ्ते तक आप 50 बार कीजिएगा। उसके बाद दूसरे हफ्ते में आप 100 बार कर दीजिएगा। यार 2-3 हफ्ते में मोटापा गायब, चुटकियों में गायब, यार बिल्कुल मोटापा बचेगा ही नहीं। शायद आप लोगों को मजाक भी लग रहा हो, मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, मोटापा रहेगा ही नहीं, एकदम चुस्त दुरुस्त हो जाएंगे आप। जिस तरीके बॉडी एकदम मेंटेन होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होना चाहिए कि आप का बॉडी इतना मोटा हो गया फूल है। बहुत से लोगों को तो मैं देखता हूँ यार, ये भी सोचते हैं कि पेट इतना निकल जाएगा, अब पेट निकाल कैसे चलेंगे। उनको ये चीज़ पे गर्व होता है कि मैं तो बहुत मोटा हूँ यार, क्या कुछ फ़ायदा नहीं है। अरे यार मोटापा बहुत ही गड़बड़ चीज़ है। मतलब मैं ये नहीं कहता, अगर आप हिस्ट पुष्ट हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन पेट का निकलना, इधर उधर पेट के बगल चर्बियाँ लटकना, मांस लटकना, ये कोई मोटापा नहीं होता गाइज। बैठने में तो दिक्कत, सोने में तो दिक्कत, उठने में, बैठने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो आप लोगों ने यहाँ तक देखा तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक पहले करो यार, इसमें आपका पैसा नहीं लगेगा। उसके बाद चैनल पर यार एक सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि हर दिन इसी तरीके एक नॉलेजेबल वीडियो आपका ये भाई टॉफी खेलते डी आपको देता रहेगा। यार जय हिंद, गुड बाय।